कोरोना को लेकर चीन पर ट्रंप का हमला, चीन ने की गलती तो भुगतने होंगे कड़े परिणाम, डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया भर में एक तरह की बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका लगातार इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब इस महामारी की जांच को लेकर अमेरिका चीन में अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भेजना चाहता है ताकि वह इस बीमारी की उपज की जांच कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी थी कि चीन को इसकी सजा भुगतनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने चीनी अधिकारियों से काफ़ी पहले बात की थी, लेकिन हम अंदर जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वुहान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम इस वायरस की तह तक जाना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और क्या सच में चीन दुनिया से और हमसे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस पर अब तक किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम चीन में जाकर ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या, लेकिन वे हमारा स्वागत करने को तैयार नहीं हैं। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जब चीन के साथ ट्रेड डील हुई तो मैं काफ़ी खुश था, लेकिन फिर चीन से ये बीमारी सामने आ गई, अब इसे चिंता का हो गया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अपने स्तर पर इस वायरस को लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका इस बात की सच्चाई खोज रहा है कि क्या कोरोना वायरस का जन्म चीन के वुहान के लैब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहते आए हैं, अब वह इसे एक प्लेग की संज्ञा भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे जांच में जो भी सामने आएगा हम उसी के आधार पर एक्शन लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन इसका जिम्मेदार निकलता है तो वह उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कोरोना वायरस को लेकर WHO और चीन पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए WHO को देने वाली फंडिंग भी रोक चुके हैं। बताते चलें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि कोरोना वायरस को लेकर WHO और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कथित रूप से गलत जानकारी देने के कारण चीन को दुष्परिणाम भुगतने होंगे। ये संक्रमण चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 6.5 लाख से अधिक लोग बीमार पड़े हैं, जबकि 40,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां पर कई देशों से अधिक केस सामने आ चुके हैं। और बताते चलें कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 24 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 1,65,000 लोगों ने अपनी जान कोरोना वायरस से गंवा दी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।